पंचायत कलौरा के सिंगापुर प्राथमिक विद्यालय में दबंग का कब्जा। अपनी जमीन के कार्य के लिए लाए गए लेबर को शासकीय विद्यालय की बिल्डिंग में जबरन लेबर को ठहराया गया है। एक ग्रामीण ने बताया कि दबंग का विद्यालय में इसी तरह से अनियंत्रित तरीके से कब्जा होता है। बारिश में भी फसल के दौरान कीटनाशक दवाइयां स्कूल में रखी जाती हैं, जो कि बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। और यहां पर निवासरत लेबर आसपास में गंदगी भी करती है, जिससे बच्चों को खेलने में भी परेशानियां होती हैं। ये लेबर है। कौन सी लेबर है? पता नहीं कहाँ की है। मीना करवा रहा है काम। कौन मीना है? रामविलास। रामविलास वो कौन है? मीना है। मीना राजस्थान का? राजस्थान का है। उसकी जमीन है। अच्छा। वो और कोर्ट करवाता है। उनसे बोली थी मैंने एक दो बार, मार साहबन से भी बोली थी, सुनता ही नहीं है वो। मार साहब वगैरह क्या? मार साहब वगैरह कुछ नहीं बोलते? बोलते हैं नहीं फिर, और मानते ही नहीं। वे तो रहते हैं कि साहब आज नहीं कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। उनको हो गया एक महीना यहाँ। इसमें तो भाई साहब पता नहीं मार साहब के पास हो, किसके पास है। तो ये तो हेडमास्टर का रूम है ना? इसमें या तो हेडमास्टर साहब भी नहीं रहे, कोई नहीं रहे। चाबी भी तो किसी की होगी, ताला लगा होगा ना इसमें। बिल्डिंग है तो चाबी उनके पास ही होगी। हमारे बच्चा बच्ची और परेशान है, डेली आके बोलते हैं पापा यार वहाँ तो लेटरिंग लेटरिंग कहाँ, खेलने की जगह भी नहीं है। अच्छा और क्या? लेकिन टीचर लोग कोई कार्रवाई नहीं कराते? टीचर लोग तो सुनते नहीं है, जब बोलना चाहिए उनको तो यहाँ रात ना रहना है। कितने मास्टर हैं? वो समय पे आते हैं पढ़ाने के लिए। हाँ आते हैं डेली है। कितने मास्टर हैं? चार। चार टीचर हैं। हाँ और बरसात में भी ट्रैक्टर नहीं रखता, खाद बीज दवाइयाँ भरी, दुनिया भर की दवाइयाँ रखता है, और यहीं ढक्कन खोल के फेंकता। मैंने वो मीना से ही बोले अगर बच्चा बच्ची ने छाट लिया ना कोई, मतलब बच्चा बच्ची मर जाएगा नहीं। अरे भाई साहब कुछ नहीं होता है क्या?